जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। वो भारत के खिलाफ ताबड़तोड़ फैसले ले रहा है। हाल ही में खबर सामने आई कि पाकिस्तान भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर सकता है। ऐसे में भारत के भीतर से भी उसके खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग होने लगी। दरअसल पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद करने की खबर सामने आने के बाद बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि भारत को कराची बंदरगाह जाने वाले समुद्री जहाजों को भी अरब सागर से गुजरने नहीं देना चाहिए। स्वामी का ये बयान उन रिपोर्ट्स के बाद आया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान भारत से संचालित होने वाले यातायात के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है। स्वामी ने इसके लिए एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, नमो सरकार को मेरी सलाह है कि अगर पाक हमारे वाणिज्यिक और नागरिक विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर देता है तो भारत को कराची बंदरगाह के लिए अरब सागर से जाने वाले जहाजों के लिए मार्ग बंद कर देने चाहिए। अगर हकीकत में भारत अरब सागर से कराची जाने वाले मार्ग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दे तो फिर पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कराची पोर्ट ट्रस्ट के अनुसार अभी उनके बंदरगाह पर सालाना 1600 जहाज पहुंचते हैं। अगर भारत अरब सागर में अपना क्षेत्र बंद करता है तो कराची जाने वाले करीब 60% जहाजों को रास्ता बदलना होगा। इससे यात्रा का समय करीब एक दिन या उससे अधिक बढ़ सकता है जिससे ईंधन का खर्च भी बढ़ेगा और इससे पोर्ट पर काम करने वालों को भी भारी नुकसान होगा। कराची पोर्ट पर फिलहाल 4748 कर्मचारी और 315 अधिकारी काम कर रहे हैं। जहाजों का आवक कम होने से वहां के कर्मचारियों के काम पर असर पड़ेगा। माल कम आने से दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों का काम रुक जाएगा। सामान उतरेगा नहीं तो कराची पोर्ट ट्रस्ट को भारी नुकसान होगा। कराची पोर्ट समुद्र के रास्ते कमाई के मामले में पाक को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। समुद्री रास्ते से होने वाली कमाई का करीब 61% हिस्सा कराची बंदरगाह से कमाता है, लेकिन भारत ये रास्ता बंद करता है तो फिर इसमें करीब 40% की गिरावट आएगी जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।